हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पैडेड ब्लाउज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं 34 साइज का फ्रंट पार्ट का फुल कटिंग और स्टिचिंग, साथ ही स्लीव्स डिज़ाइन भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसमें हम कप अटैच करेंगे क्योंकि नेट ब्लाउज जब भी हम बनाते हैं तो उसमें कप अटैच करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, इसका बैक पार्ट है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और इसी वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट मुझे आए थे फ्रंट पार्ट के लिए। तो देखिए, इसमें मैंने शॉर्टन अस्तर लिया हुआ है, ये इसका नेट का फैब्रिक है और इस ब्लाउज को बनाने के लिए टोटल फैब्रिक आपको नेट का 1 मीटर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर ये इसका बैक पार्ट है। तो इसका फ्रंट पार्ट हम यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं और सुपर इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कप कैसे अटैच कर सकते हैं ब्लाउज में और इसे फिनिशिंग के साथ कैसे बना सकते हैं। साथ ही देखिए, मैं इसे बैक ओपन पर रखूंगी। अगर आप चाहें तो साइड जिप या साइड हुक के साथ भी नेट ब्लाउज को बना सकते हैं। दोनों ही वीडियो साइड जिप और साइड हुक के चैनल पर अपलोड है, इसी चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसे बैक ओपन पर बनाऊंगी। तो ये देखिए, बैक नेक डिज़ाइन है, इसे हम बाद में कट करके यहाँ पर हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो आप जिस भी साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं उसी साइज़ का आपको कप लेना है। जो ब्लाउज में लगाने के लिए आप पैड लेंगे, जिस साइज़ का आपको ब्लाउज बनाना है उसी साइज़ का आप पैड लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके अस्तर पर कटिंग करेंगे। ये मैंने कॉटन अस्तर लिया है और बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने रखी थी यहाँ पर देखिए 14.5 इंच और 13.5 लेंथ मुझे तैयार रखनी है। फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच प्लस करके लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ हमारी प्लेट्स आएगी, तो इसलिए हमने 1/2 इंच प्लस करके लिया है। और जब भी आप पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो चेस्ट में आप 1 इंच की लूजिंग ऐड कीजिएगा और लेंथ में हाफ इंच प्लस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो हमारा जो ब्लाउज है वो आगे की तरफ से छोटा हो जाता है। तो आप लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा और चेस्ट से भी वो टाइट हो जाता है, तो आप चेस्ट में 1 इंच की लूजिंग ले सकते हैं। शोल्डर एंड आर्महोल लेने हैं हमें बोट नेक के अकॉर्डिंग 7 इंच, क्योंकि इसका जो बैक डिज़ाइन है वो बोट नेक के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था। 34 साइज में चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया है 8.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देंगे और यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट ले लेंगे। 28 इंच कमर है, उसका 4th पार्ट लेंगे 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और यहाँ पर देखिए, साइड में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है प्लेट्स के लिए। यहाँ पर 2 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए, प्लेट्स डालेंगे ये जो हम यहाँ पर उसके लिए। 1 टक्स हम ब्लाउज बना रहे हैं, आप चाहें तो इसमें प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं और ये ट्रांजी नेक रहेगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे शोल्डर को डाउन करते हुए इसकी कटिंग कर ली है, अस्तर पे हमने इसे कट कर लिया है। अब हमें इसके बाद इसे नेट पर कटिंग करना होगा और साइड से कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे, बराबर से यहाँ पर नेट के ऊपर इसे कटिंग कर देंगे। इसमें मैं एक अस्तर और अटैच कर रही हूँ जो शॉर्टन का रहेगा, जिसमें हम फैंसी जो नेट होता है उसमें अगर आप एक शाइनिंग वाला अस्तर लगाते हैं तो उससे उस ब्लाउज का जो लुक है वो और भी अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर इसे बराबर से नेट के ऊपर कटिंग कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर गले की विड्थ ले रही हूँ 4 इंच, गले की लंबाई लेनी है हमें 3 इंच। ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे गले की और इस पे जो हम ट्रांजी नेक बनाएंगे उसके लिए लंबाई लेनी है गले की 6.5 इंच। अगर आप और छोटा रखना चाहें तो 5.5 या 6 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से एक शेप दे रही हूँ, वी शेप जैसा हमने यहाँ पर बना लेना है। और भी तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर बनती है तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये शेप दे दिया है। तो ये जो हमारा नीचे वाला पैटर्न है वो हमने कटिंग कर लिया है, ऊपर वाला पैटर्न भी अभी आपको रखना है, इसे हम नेट पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टक्स के लिए आपको विड्थ में लेना है 3.5 इंच चौड़ाई में लिया है 3.5 इंच और 34 साइज में कप अटैच करने के लिए टक्स पॉइंट आप लीजिएगा 10 इंच पर। अगर आप 34 से ज़्यादा साइज का बना रहे हैं तो 10.5 इंच पे आप कप को अटैच कीजिएगा। अब हमने इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देना है इस तरीके से और दोनों तरफ से 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे प्लेट्स के लिए। 1-1 इंच की आप यहाँ पर मार्किंग कर लें इस तरीके से।
और हाफ इंच आप ऊपर की तरफ इस तरीके से कर लें ताकि बैक पार्ट के बराबर से आ जाए हमारा फ्रंट पार्ट। यही मार्किंग हमें दूसरी तरफ से भी लेनी है इस तरीके से। ये टक्स की मार्किंग मैंने दूसरी तरफ से भी कर ली है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर छोटा कट लगा देंगे ताकि हमें दूसरी तरफ भी प्लेट्स लेने में आसानी रहेगी। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो दूसरा पैटर्न है हमारा उसके ऊपर इसे कट कर लेंगे। तो ये जो शॉर्टन फैब्रिक मैंने लिया है उसके ऊपर हमने इस पैटर्न को रखते हुए कटिंग कर लेना है। जो कॉटन अस्तर रहेगा उसके ऊपर हम पैड अटैच करेंगे। तो ये पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब मैं आपको स्लीव्स कटिंग करना बता रही हूँ। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए आप बैक पार्ट का आर्म होल नाप लीजिए, ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए और डेढ़ इंच मार्जिन का छोड़ते हुए आपको बचा हुआ आर्म होल नाप लेना है। तो देखिए मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 7 इंच, तो इसमें मैंने आधा इंच और बढ़ा दिया है क्योंकि हम फ्रंट पार्ट की गहराई करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। ये नेट का फैब्रिक है तो इस पर मार्किंग बराबर से नहीं होगी, इसलिए मैं इसे स्लीव्स को न्यूज़पेपर पर कटिंग कर रही हूँ। तो आपको जितनी बड़ी भी स्लीव्स रखनी है उतना आप लेंथ यहाँ पर ले लीजिए। मैं यहाँ पर 10 इंच की स्लीव्स बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके नीचे मैं फ्रिल भी अटैच करूँगी इसलिए मैंने लेंथ कम रखी है यहाँ पर। आप अपनी पसंद से लेंथ लीजिएगा जितनी भी आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। तो मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ ली है 10 इंच, 7.5 इंच आर्म होल राउंड ले लिया है यहाँ पर और 3.5 इंच पे मैंने इसे डाउन किया है। ये देखिए 3.5 इंच पे डाउन करने के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। और नीचे से स्लीव्स का आपका बॉटम का जो भी मेजरमेंट होता है वो लीजिएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। मार्जिन आपने अपने ब्लाउज में जितना लिया है उतना ही आपको यहाँ पर स्लीव्स के लिए भी लेना है। तो स्लीव्स का पैटर्न मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और नेट के फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अक्सर नेट में ये प्लेन फैब्रिक दिया होता है तो इसे आप फ्रिल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। या तो आप अपने गले पर लगा सकते हैं इसे या स्लीव्स के नीचे आप इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने प्लेन फैब्रिक को अलग कट कर लिया है और यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड में करके रखा है 2 स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। अब हमने बराबर से पेपर के बराबर पे पिन लगा लेनी है, इसे अटैच कर लेना है और इसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए एकदम प्रॉपर यहाँ पर कटिंग हो गई है। अगर हम डायरेक्ट नेट के कपड़े पर मार्किंग करते तो स्लीव्स इतने अच्छे से नहीं कटती। और ये जो पट्टी मैंने कट की है प्लेन, इसे मैं बीच में से कट कर रही हूँ ताकि हमारी 2 फ्रिल यहाँ पर आसानी से बन जाए पट्टियों की। तो स्लीव्स की कटिंग मेरी यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है। अच्छे से मैं बराबर करते हुए पट्टियों को साथ में कटिंग कर लूँगी, ये देखिए, और इसे हम स्लीव्स के साथ ही रख लेंगे। इसकी स्लीव्स की जो गहराई है वो आप स्टिचिंग के समय पर ही दीजिएगा। ये देखिए बराबर से रखते हुए इसे पिन लगाकर हम साइड में रख लेंगे। अब हमें नेट के ऊपर यहाँ पर टक्स की मार्किंग करनी है तो सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और यहाँ पर सेंटर से आपको नाप लेना है। जैसे मैंने आपको अस्तर के कपड़े पर बताया था बस उसी तरीके से यहाँ पर हमें डॉट लगानी है। तो विड्थ में दोनों ही तरफ से लेना है यहाँ पर आपको 3.5 इंच। टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर और ये जो हम डॉट लगाएंगे वो आपको तीनों पार्ट पर अलग अलग लगानी है। ये देखिए यहाँ से हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मार्किंग करेंगे 1 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट नाप लेना है इस तरीके से और यहाँ पर रखते हुए विड्थ में 1 इंच ले लीजिए और प्लेट्स लगा देनी है। दोनों तरफ आपको इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। ये देखिए बिल्कुल बराबर से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर प्लेट्स लगा लें और इस पर आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं क्योंकि नेट के फैब्रिक पर कहीं बार ऐसा होता है सिलाई बराबर से नहीं आती। तो देखिए दोनों तरफ मैंने यहाँ पर प्लेट्स लगा ली हैं और अब हमने अपना ये जो शॉर्टन वाला फैब्रिक है उसे कट कर लेना है अस्तर के बराबर से। मैंने पहले इसे थोड़ा साइड से बढ़ाकर कट किया था, अभी मैंने इसे अस्तर के बराबर से कट कर लिया है। साइड से जो नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे भी मैंने गहराई करके बराबर कर दिया है। अब हमने प्लेट्स की मार्किंग दूसरी तरफ से भी लेनी है इस तरीके से। तो जो हमारा शॉर्टन वाला फैब्रिक है
उसके ऊपर भी मैंने प्लेट्स की मार्किंग ले ली है अच्छे से, और इस पे भी हमने प्लेट्स डाल देनी है। तो जितना मार्किंग हमने किया है उतना लेते हुए आपको यहाँ पर प्लेट्स लगा लेनी है इस तरीके से। दोनों ही तरफ मैंने प्लेट्स लगा ली हैं। इसके बाद हमारा जो कॉटन अस्तर है उसके ऊपर भी हम प्लेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही पार्ट पर आपको अलग अलग प्लेट्स लगानी है, साथ में इन्हें अटैच नहीं करना है। पैडेड ब्लाउज इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो अब हमने अस्तर वाले पार्ट को अपने उल्टा रख लिया है और इस पे हमने कप लेना है। देखिए पैट के ऊपर आपको इस तरीके से सेंटर मार्क कर लेना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सेंटर में अच्छे से मार्किंग करनी है। तो दोनों पे देखिए मैंने सेंटर मार्क कर दिया है, ये हमारा नॉर्मल कप है। अब आपको उंगली से इसे दबाते हुए, देखिए हाथों से इसे दबाते हुए उल्टा कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर ब्लाउज को किस तरीके से रखा है और कप को किस तरीके से रखा है, इसे उल्टा करते हुए हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर जो हमने 10 इंच पर टक्स पॉइंट की मार्किंग की थी वहीं पर हमने प्लेट्स भी डाली है, तो बस उसी मार्किंग पे हमें कप को अटैच करना है और इस तरीके से इसे पलट कर वापस सीधा कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच हो गए हैं। सिर्फ मैंने इसमें बीच में मशीन से टाका लगाया है, इसे पक्का किया है। अब अपने जो शॉर्टन वाला पैटर्न है उसे सीधा रखना है और पैड वाले पैटर्न को आपको इस तरीके से रख लेना है। बस अब यहाँ पर जो सिलाई हम जो शेप हमने दिया हुआ है उसी शेप के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ आप कर सकते हैं ऊपर गले की तरफ। अब एक सिलाई हमें अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है इस तरीके से, और इसे अंदर की तरफ पलट कर हम सीधा कर लेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे और सेंटर में एक रफ स्टिच लगा देंगे। तो अब आपको देखिए इसे बराबर करना है और ये जो अस्तर वाला पार्ट है इसे ज़्यादा आपको खींचना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कप अटैच है, और बस इसे बराबर से रखते हुए ही आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इसलिए कहा था आपको कि लेंथ में आप आधा इंच एक्स्ट्रा लें, क्योंकि देखिए जब हम कप अटैच करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ खींचता है। अच्छे से इसे मैंने अटैच कर दिया है। अब ये जो रफ स्टिच लगाई थी उसे हम खोल देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर ये यहाँ पर अंदर और बाहर से अटैच हो गया है। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर नेट को अटैच कर देना है इस तरीके से। नेट की जो प्लेट्स हैं और नीचे अस्तर पे जो प्लेट्स हैं दोनों प्लेट्स को मिलाते हुए रखना है आपको, ताकि प्लेट्स हमारी एक के ऊपर एक आ जाए। अब आपको चारों तरफ से इसे पिन लगा देना है गले की तरफ से अच्छे से, और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। तो चारों तरफ से इन्हें बराबर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच करेंगे इसे। और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमने कट करके निकालना है। तो वो किस तरीके से कट करेंगे देखिएगा। अभी मैंने इसमें आर्म होल की जो गहराई होती है वो भी नहीं की है, तो वो भी कर देंगे हम। पैडेड ब्लाउज में आप आर्म होल की गहराई बाद में ही करें। तो देखिए अब दोनों तरफ से आपको इसे अच्छे से बराबर कर लेना है, और अगर आप नीचे से लेंथ कम कर रहे हैं तो लेंथ को पहले आप मेज़र कर लें कि आपके लेंथ ब्लाउज की कम तो नहीं हो रही है, उसके बाद ही आप इसकी कटिंग करें। तो मैंने यहाँ पर अपनी लेंथ को पहले नाप लिया है, उसके बाद ही यहाँ पर लेंथ की मैंने कटिंग की है। चारों तरफ से अच्छे से इसे बराबर कर दिया है, आर्म होल की गहराई भी कर दी है। आर्म होल की गहराई 1.25 इंच पे दीजिएगा। और ये जो हमने अस्तर के ऊपर गला मार्किंग किया था अब हम उसे रखते हुए इसे कट कर लेंगे। तो प्रॉपर गले की कटिंग हो गई है। एक पट्टी ली है मैंने गला बनाने के लिए, ये रेप पट्टी है जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच की है, 1.5 इंच। और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमने गले के ऊपर अटैच करना है इस तरीके से। एक पैर का मार्जिन लेते हुए गले के ऊपर पट्टी को इस तरीके से लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर देना है, और अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो उसे भी आपको कटिंग कर देना है पट्टी को पलटने से पहले।
अब एक सिलाई हमें इस तरफ करते जाना है और पट्टी के ऊपर लगानी है। अब हम पट्टी को पलट के अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये गला हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बन जाएगा। और ये देखिए नीचे वाला जो गला है हमारा, उसके ऊपर आप चाहें तो सुई से छोटा छोटा टांका लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं पहले इसे पिन से अच्छे से अटैच कर दूंगी, उसके बाद में बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा सिलाई लगाते समय झोल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कपड़े के ऊपर। तो बराबर से मैंने इसे अटैच कर लिया है और अब ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे की तरफ लगानी है कमर पट्टी। कमर पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच के लिए है और मैं इसे नीचे से डबल फोल्ड करके अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। कमर पट्टी को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देंगे और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब तैयार करनी है हमें स्लीव्स। तो स्लीव्स को देखिए आपको डबल फोल्ड करके नीचे जो पट्टी हमने ली है उस पर आपको यहाँ पर इस पर प्रेस लगा लेनी है। ये पट्टी को मैंने प्रेस कर दिया है जिससे कि इसकी फ्रिल अच्छे से बनेगी। डबल फोल्ड करके इसे प्रेस लगानी है, उसके बाद इसकी फ्रिल डालनी है। तो आपके पास चौड़ाई में जितना भी फैब्रिक होता है प्लेन में, आप उतनी बड़ी फ्रिल ले सकते हैं। डबल फोल्ड करते हुए इस पर हमने पूरी पट्टी पर फ्रिल लगा लेनी है और उसके बाद अपने स्लीव्स के पैटर्न को रखना है सीधा। स्लीव्स के पैटर्न को सीधा रखेंगे और फ्रिल को इसके ऊपर अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब इस पे फिनिशिंग करने के लिए मैंने एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई लगभग मैंने 1.5 इंच की ली थी और इसे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके पहले प्रेस लगा लिया है और उसके बाद हमने फ्रिल के ऊपर इसे अटैच करना है। सिलाई हमें उसी पे चलानी है जब हमने अपनी फ्रिल को अटैच करते समय लगाया था। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को भी यहाँ से कट करेंगे। अब इस पट्टी को आपको अंदर की तरफ पलट के सीधा कर लेना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इसे एक फोल्ड और करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगी पट्टी। तो मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। मार्जिन को इसके अंदर करते जाएंगे इस तरीके से और एक पतला यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है और ये फ्रिल भी अच्छे से यहाँ पर अटैच हो गई है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। ये देखिए दोनों स्लीव्स तैयार हो गई है। अब करना है हमें अपने बैक पार्ट को कटिंग। तो बैक पार्ट को पहले आप डबल फोल्ड कर लें और इसकी कटिंग कर लें। तो इस पर मैं हाई हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो पहले पट्टी को आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करके ले लेना है। इस पट्टी की चौड़ाई लगभग 2.5 इंच की ली है मैंने और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए, पट्टी आपको लेंथ में ज़्यादा लेनी है क्योंकि इसे नीचे से भी फोल्ड करना है। ऊपर और नीचे से फोल्ड करते हुए हाई की पट्टी को इस तरीके से अटैच करेंगे। अब इसे ऊपर की तरफ आपको फोल्ड कर देना है। अच्छे से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। बाहर की तरफ से भी एक सिलाई लगा लेनी है। अब मैं लगाऊंगी दूसरी तरफ हुक की पट्टी। हुक की पट्टी भी आपको डबल फोल्ड करके लेनी है और इसे भी लेंथ में थोड़ा ज़्यादा लेना है नीचे की तरफ और बाहर की तरफ निकालते हुए। ऊपर और नीचे से इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और पट्टी को अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो हाई हुक की पट्टी मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। अब इसे बराबर करके चेक कर लें और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। बाद में कंप्लीट करने के बाद आप इस पर कोई भी फैंसी बटन अटैच कर सकते हैं जिससे कि पट्टी भी आपकी कवर हो जाएगी इस तरीके से। पास पास में आप यहाँ पर फैब्रिक बटन या कुंदन अटैच कर सकते हैं।
तो आगे और पीछे का पार्ट, स्लीव्स का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो आगे नेक की तरफ से बिल्कुल बराबर रखते हुए शोल्डर को जॉइंट कर लेना है आपको। ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए और इस पे आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। शोल्डर पे आपको दो सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करना है फिटिंग लगाने से पहले। तो वो किस तरीके से करेंगे आप देखिए। बैक पार्ट की पिन लगाएंगे, फ्रंट पार्ट का करेंगे सेंटर मार्किंग। सेंटर में एक छोटा मार्क करना, चौक से आपको मार्किंग करना है, इस पर पिन लगानी है और साइड से चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और आर्म होल्स तरफ से भी चेक करना है, हो रहा है पार्ट अगर तो थोड़ा सा आप कटिंग करके छांट सकते हैं। इसके बाद हमें दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर स्लीव्स जॉइंट करूँगी। स्लीव्स जॉइंट करने से पहले फ्रंट पार्ट की गहराई करूँगी। देखिए नेट है तो हमने पहले गहराई इसलिए नहीं करी क्योंकि दिखेगा नहीं हमें, प्रॉपर चौक की मार्किंग नेट के ऊपर नहीं होगी, इसलिए जब आप इसे अटैच करें तो फ्रंट पार्ट की गहराई हाफ इंच की ज़रूर कर दें। अब आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है। दोनों तरफ से हमने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर दिया है और स्लीव्स पे भी आपको डबल सिलाई ज़रूर लगानी है। फिटिंग लगाने के लिए देखिए यहाँ पर ब्लाउज के सीधी तरफ हमें स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर कटिंग करके निकाल देना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर लेंगे। स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगानी है कॉर्नर पर इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे और अब हम मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज को कर लेंगे यहाँ पर उल्टा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कर लेना है और सबसे पहले एक सिलाई यहाँ पर कॉर्नर की लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए, जिससे कि जो पैटर्न है ब्लाउज का वो अच्छे से बैठ जाए। ये सिलाई हम दोनों तरफ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने चेस्ट और वेस्ट का करना है सेंटर मार्किंग। तो सेंटर मार्किंग से हमें यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग लगानी है। तो 8.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे चेस्ट का फोर्थ पार्ट और कमर का लेंगे फोर्थ पार्ट। स्लीव्स का हाफ ले लेंगे। मेरे स्लीव यहाँ पर स्लीव्स का जो मेजरमेंट है वो 11 इंच है, उसका हाफ मैंने 5.5 इंच में मार्क किया है। और अब हम फिटिंग की सीधी सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से फिटिंग हमने दूसरी तरफ से भी कर लिया है और ये ब्लाउज डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।